जी, तो हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो था पेज क्रिएट करना था, फेसबुक पेज, ठीक है। तो अब हम कल हमने अपने फेसबुक पेज के लिए लोगो डिजाइन किए थे एंड कवर पिक्चर्स डिजाइन कर ली थी, और आज हमने जो है ना अपना एक न्यू पेज क्रिएट करना है और उसकी सेटिंग्स करनी है, उसमें जो इंफॉर्मेशन वो हमसे मांग रहे हैं वो पुट करनी है सारी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसमें अपनी कवर पिक्चर लगानी है और एंड लोगो लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि फेसबुक के ऊपर हम अपनी जो पोस्ट है ना वो किस तरह से करते हैं। अब जब हम पोस्ट करते हैं तो नॉर्मली तो हम अपनी पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, तो हम लोग उसकी कोई ऐसी सेटिंग नहीं कर रहे होते कि वो उन लोगों तक पहुंचे जिनको तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मली हमारे जो फ्रेंड्स हैं जस्ट उनको ही शो हो रही होती है, और वो हमारे फ्रेंड्स उसको देख के लाइक करते हैं या कमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस पर्पज के लिए अपना पेज बनाते हैं और हमें अपनी पोस्ट, स्टूडेंट्स आपको आवाज क्लियर है मेरी? ओके अच्छा, देखिए जब हम बिजनेस पर्पस के लिए फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हमारी जो पोस्ट है ना वो उन लोगों तक जाए जो कि उस बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि वो हमारी जो भी ब्रांड है उसकी कोई प्रोडक्ट्स को परचेज करें, या जो अगर हम कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो वो उस सर्विस को बाय करें, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे सेटिंग्स करते हैं, मतलब जब हम अपनी जो पोस्ट लगानी होती है ना उसमें कुछ ऐसे हैश टैग वगैरह इंक्लूड करते हैं जिनके थ्रू जो लोग मतलब जिन कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं ना सर्च करने के लिए कुछ भी फेसबुक पे, हम उस टाइप के कीवर्ड्स जो है ना अपनी पोस्ट के अंदर शामिल कर देते हैं, ताकि जो जो लोग उन कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो उन तक हमारी पोस्ट जो है वो जाए, वो लोग जब सर्च करें तो उनके सर्च रिजल्ट में हमारी पोस्ट भी शो हो जाए, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे कि हम इस तरह के सेटिंग्स जो है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम अपनी फेसबुक की तरफ जाते हैं पेज क्रिएट करने के लिए। जी, आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल शो हो रही है? जल्दी से बताइए, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है, ओके। अब देखिए, इस आपने जो है कुछ लोगों के पहले से ही कुछ पेजेस जो हैं वो क्रिएट हुए होंगे, तो उनको यहाँ पे शो होगा। ये देखिए, ये राइट साइड पे ना एक ऊपर सर्कल है, इस सर्कल के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर भी शो हो रही होती है। आपने इस सर्कल के नीचे देखिए ये छोटा सा एरो शो हो रहा है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपको अपने जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं ना वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने कुछ पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, अब मैंने सी ऑल प्रोफाइल्स पे क्लिक किया तो जो पेजेस मैंने हमारे क्रिएट हुए हुए हैं, या फिर अगर मैं किसी और के पेज में भी एज एडमिन काम कर रही हूँ तो वो भी मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो आपका कुछ पेज क्रिएट हुआ और आपने पेज ओपन किया होगा ना, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इन पेजेस में से ये वाला पेज जो है मैंने क्लिक किया है, तो वो पेज अभी ओपन हो जाएगा मेरा। जी, ये देखिए, ये मेरा जो है एक पेज ओपन हो गया। तो आपने जब न्यू पेज क्रिएट करना है ना, आपने ये देखना है कि आपका कोई पेज ओपन नहीं हुआ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करके देखना है कि आपका मेन जो प्रोफाइल है ना जिसपे आपका नेम शो हो रहा है, जैसे ये मेरा प्रोफाइल है तो यहाँ पे मेरा नेम शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने मेन प्रोफाइल पे चले जाना, ठीक है। अब मेन प्रोफाइल पे जाने के बाद हमने ये यहाँ पे 9 डॉट्स शो हो रहे हैं, 9 डॉट्स को बर्गर मेन्यू कहते हैं, ठीक है। इस बर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे शो हो रहा है कि आपने क्या चीज क्रिएट करनी है, पोस्ट क्रिएट करनी है, स्टोरी, रील, लाइफ इवेंट्स या पेज। हमने इस टाइम पेज क्रिएट करना है तो आपने पेज के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आप पहले आप मुझे ये बताएं कि आप सब स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले से प्रोफाइल है, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में ना यस लिख के कमेंट कर दे जिन सबकी प्रोफाइल है इस टाइम फेसबुक की, और जिनकी नहीं है ना वो नो लिख के कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बनानी है। स्टूडेंट्स जरा जल्दी रिप्लाई किया करें, फिर हमारा काम रह जाता है, मैं आपके रिप्लाई का वेट करती रहती हूँ, जल्दी जल्दी किया करें।
स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स नहीं है। अच्छा आपने ना, मैंने आपको वैसे कल भी कहा था कि जिनकी नहीं है ना वो कल ही क्रिएट कर लें। चले अब आज कर लीजिएगा, अपनी फेसबुक प्रोफाइल बना लीजिएगा। लेकिन आज आप ऐसे करें कि जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ ना, ये स्टेप्स आप अपने रजिस्टर पे या नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, और बाद में जब आपकी प्रोफाइल बन जाए तो 1 वीक आपने वेट करना है, ठीक है। उस 1 वीक में हमने अपनी फेसबुक प्रोफाइल से के ऊपर पोस्ट करनी है अच्छी, और अब कुछ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पेजेस को लाइक करें, दूसरे जो जैसे कुछ ब्रांड्स हैं अच्छे उनके पेजेस को लाइक करें, फॉलो करें, और दूसरों के जो पोस्ट हैं उसके ऊपर भी कमेंट्स वगैरह करें और उनको लाइक करें, ठीक है। यानी आपने 1 वीक जस्ट अपना प्रोफाइल बना के छोड़ना नहीं है, उसको एक्टिव रहना है, ठीक है, ताकि फेसबुक को पता चले कि आप एक अच्छे मतलब कुछ कोई रिस्पॉन्सिबल यूजर हैं जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। तो 1 वीक आपने उसको एक्टिव रखना है, उस पर काम करना, उसके ऊपर पोस्ट वगैरह करनी है, और दूसरे लोगों की पेजेस को लाइक करना है या उनकी पोस्ट को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और 1 वीक के बाद आपने जो मैं आप आपको स्टेप्स बता रही हूँ ये नोट डाउन अभी कर लीजिएगा, 1 वीक के बाद आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने अपने पेजेस क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक मतलब दोबारा बता देती हूँ, आपने यहाँ से यहाँ पे आपके ये प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है यहाँ क्लिक करना है, और अपना जो सा पेज आपका प्रोफाइल है ना, देखने का प्रोफाइल ही सिलेक्टेड है, अगर तो है तो ठीक है, वैसे तो आपके पिक्चर पे शो हो रही है तो उसका मतलब कि आपका प्रोफाइल ही सिलेक्ट ओपन हुआ है। इसके बाद आपने ये 3 9 डॉट्स को कहते हैं बर्गर मेन्यू, इस बर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जाना है पेजेस पे, क्रिएट पेज पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको ये वाली स्क्रीन शो हो जाएगी, यहाँ पे वो क्रिएट पेज की ऑप्शन शो कर रहा है कि हमने क्या क्या चीजें एंटर करनी है तो आपका पेज क्रिएट होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने देनी है पेज का नेम। अच्छा मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपका जो पेज का नेम है ना वो आपके ब्रांड का नेम होना चाहिए, ठीक है। आपने अपने ब्रांड का नेम चूज किया था, मैंने आपको सिखाया भी था कि आपने कैसे सर्च करना है अच्छा ब्रांड नेम, और फिर हमने उस ब्रांड नेम का लोगो भी बना लिया था, ठीक है। तो उसी ब्रांड नेम से ही आपने अपने पेज का नेम रखना है, ठीक है। तो अब आपने जो जो अपने ब्रांड्स के नेम रखे थे ना, आप वो वाले नेम्स पुट कर लें, और जो मैंने अब सिलेक्ट किया था अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मैं बनाया था ना, पर मैंने लोगो और कवर पिक्चर, तो मैं उसी के लिए ही पेज बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो नेम सिलेक्ट किया था ना, तो मैं वही वाला नेम अब यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। ओके, नेम पुट करने के बाद सेकंड थिंग जो आपसे मांग रहा है कि कैटेगरी कौन सी है आपके पेज की, मींस कि आपका पेज किस टाइप कैटेगरी में फॉल करता है, क्या चीजें आप उस पेज के ऊपर पोस्ट करोगे, किस तरह का कंटेंट पोस्ट करोगे, ठीक है। अब देखिए जो मेरा पेज है ना वो तो एडवर्टाइजिंग के बारे में है, डिजिटल मार्केटिंग का पेज है ना तो इसके ऊपर मैं जाहिर है कि कुछ जो लोगों के एडवर्टाइजमेंट्स को हैंडल करूंगी, सॉरी आज मेरा गला थोड़ा खराब है। तो अब जो कैटेगरी होती है ना, इसमें 3 कैटेगरीज हमने लिखनी होती है, एक मेन कैटेगरी होती लिखनी है और 2 सब कैटेगरीज लिखनी है, ठीक है। तो जो मेन कैटेगरी है ना वो मैं इसमें एडवर्टाइजिंग पुट करूंगी अच्छा देखिए जब मैंने एक वर्ड एंटर किया ना, उससे रेलिवेंट कैटेगरीज फेसबुक खुद ही नीचे आपको शो करना शुरू कर देता है, जैसे उसने शो कर दिया कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, या एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैटेगरी है आपकी, कौन सी इनमें से कैटेगरी है, ठीक है। जैसे तो मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि पहले ना आपने एक मेन कैटेगरी एंटर करनी होती है, वो जो मेन होती है ना कैटेगरी वो ना एक जनरल सी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो मैं इसलिए इसमें एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग पहले करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी 2 सब कैटेगरीज एंटर करनी है। तो अब जो मैं एडवर्टाइजिंग मतलब कि मेन चीज तो एडवर्टाइजिंग है ना और मार्केटिंग है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देख बताना है कि हमारी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे लिखूंगी मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, और इसके अलावा मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी लिख देती हूँ, ठीक है। जस्ट 3 कैटेगरीज आपने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा मैं आपको कुछ इसके बारे में और चीजें भी बता देती हूँ, ठीक है। एक मिनट की मैं आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी, ये वाली
जी ये देखिए, अभी स्क्रीन पे आप देखिए, मैंने कुछ कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे हमने, आपको पता चलेगा मेन कैटेगरी कौन सी होगी और सब सब कैटेगरीज कौन से होंगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ये देखिए कि अगर आप मोबाइल्स को कोई भी शख्स सेल कर रहा है ना, तो उसकी मेन कैटेगरी क्या होगी कि वो मेन जो चीज है वो किस, उसका जो मोबाइल है वो मेन किस चीज में कौन सी कैटेगरी है जिसमें के फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ रहा है मोबाइल, ठीक है। तो अब मोबाइल एक्सेसरीज है तो वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो सब कैटेगरीज है उसमें मोबाइल एक्सेसरीज आएंगे सबसे पहले, जो उसकी मेन कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, उसके बाद फिर उसकी सब कैटेगरीज में मोबाइल एक्सेसरीज आ जाएगा, या फिर मोबाइल एक्सेसरीज कौन कौन सी होती है वो उसकी सब कैटेगरीज में आ सकती है, जैसे फोन केसेस है या स्क्रीन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारे उसकी सब कैटेगरीज में आ जाएंगे। स्क्रीन प्रोटेक्टर के अलावा और भी, जैसे आपने देखा होगा कि हैंड फ्रीज है या हेडफोन्स है, ये भी मोबाइल एक्सेसरीज की सब कैटेगरीज है, ठीक है। ओके, अब मैं दोबारा से अपनी फेसबुक की स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि हम उस पर कंटिन्यू करें। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन हो ना तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन साथ कर लें, ठीक है। या फिर मैं ये मतलब पेज क्रिएट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन ले लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमने बायो देनी है। बायो मीन्स कि आपने अपने, देखिए इसके ऊपर उन्होंने बताया भी हुआ है कि एंटर अ सॉरी नीचे लिखा हुआ है, टेल पीपल अ लिटिल अबाउट व्हाट यू डू, यानी हमने बताना है कि आप लोग क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है या आपकी सर्विसेज क्या है, ठीक है। यानी आपने डिस्क्राइब करना है कि आप इस पेज पे क्या मतलब तो क्या आप करना चाहते हो इस पेज के ऊपर। तो आपने इसके लिए चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, और जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट माई डिजिटल मार्केटिंग पेज और मार्केटिंग एजेंसी पेज ऑन फेसबुक, गिव मी आर टू लाइंस बायो और डिस्क्रिप्शन। ओके, इन्होंने देखे, चैट जीपीटी ने मुझे लाइन लिख दी है और इसने कहा है कि यहाँ पे आप अपना एजेंसी का नेम एंटर कर लें, ठीक है। जो ब्रैकेट उन्होंने दिया है इसमें, तो मैं ये से कॉपी करके वहाँ पे पहले से रीड आउट कर लिया, क्या कुछ ही भी लग रही है कि नहीं, ना अच्छी लगे तो उसे कहीं के कुछ और आपको लाइन दे दें, उनमें से कुछ आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। वी ड्राइव ग्रोथ थ्रू इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, लेट अस प्रमोट योर ब्रांड एंड इंडस्ट्री। आई थिंक ये अच्छी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अपना ब्रांड जो पेज का नेम है ना वो लिख दूंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने पेज का नेम जो है ना वो बोल्ड फॉर्म में दिखना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई फिर भी आपको ऑप्शन शो नहीं ना हो रहा कि उसे बोल्ड करें करने का, या टेक्स्ट का जो फॉन्ट है ना उसे चेंज करने का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट है byaytext.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाके अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसे बोल्ड इटैलिक किसी भी तरह का कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन भी आ रही होती है कॉपी की, तो आप यहाँ से कॉपी करके उस टेक्स्ट को कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा ब्रांड नेम है, मैं पहले तो ये फेसबुक पे जो मैंने दिख लिया हुआ है ना, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करके उसको बोल्ड कर लूंगी। ये जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैं क्लिक करूंगी वो खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा। अब ये देखें, ये नीचे शो होने डिफरेंट टेक्स्ट की
डिफरेंट फॉन्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखो कुछ उन्होंने स्टाइलिश फॉन्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ सिंपल हैं और बोल्ड हैं, तो मुझे जस्ट बोल्ड फॉन्ट में चाहिए, तो मैं ये कॉपी कर लूंगी, ठीक है। और यहाँ से इसको अरेज करके इसकी जगह पे पेस्ट कर लूंगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपका पेज नेम और फोन नंबर दोनों चीजें होना जरूरी है। ये आपकी पेज ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी है। पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि आप ऐसी कीवर्ड्स यूज करें अपने पेज के डिफरेंट प्लेसेस पे, जिससे आपके आपका जो पेज है ना वो दूसरे लोगों तक, जो लोग उस तरह के पेजेस को सर्च कर रहे हैं, उस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे हैं ना, उन लोगों तक ज्यादा पहुंचे, ठीक है। तो वो लोग जैसे सर्च करें उनकी सर्च रिजल्ट्स में आपके आपका कंटेंट शो हो, तो उसके लिए आपने हमने ये करना है कि अपना जो पेज का नेम है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी जरूर ऐड करना है और उसको थोड़ा उसको बोल्ड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना फोन नंबर भी एंटर करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके डिस्क्रिप्शन में होना जरूरी है, ताकि अगर जब भी पेज अगर किसी को शो होता है ना तो उसका पेज नेम और मेनली डिस्क्रिप्शन ही शो हो रही होती है, ठीक है। जैसे भी देखें मैंने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ना, तो मतलब मैं यहाँ पे चीज सब डाटा एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू डेस्कटॉप पर वो शो कर रहा है कि आपको डेस्कटॉप पे किस तरह से पेज शो होगा। तो अब यहाँ पे बैक पे कवर पिक्चर आएगी, दरमियान में प्रोफाइल पिक्चर आएगी, ठीक है। और इसके नीचे हमारा पेज का नेम आएगा और पेज नेम के नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। अब देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पेज नेम को बोल्ड किया था, तो यहाँ पे भी वो बोल्ड में ही शो हो रहा है। ओके अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपका जो पेज नेम है वो आपने कैपिटल लिखना है, तो जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है ना प्रीव्यू में, तो इसमें भी ये कैपिटल फॉर्म में लिखा शो हो रहा है, तो ये प्रोमिनेंट भी हो रहा है ना आपका पेज का नेम। अच्छा, इसी तरह हमने यहाँ पे अपना फोन नंबर भी लिखना है, ठीक है। एंड पे आपने लिख देना है कॉन्टेक्ट अस। और आगे आप अपना फोन नंबर लिखते हैं, जो भी आपका फोन नंबर है, ठीक है। चाहे तो प्लस का इंटू को फोन में लिखते हैं या वैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसको भी आप बोल्ड कर दो। ये साथ साथ वेबसाइट्स भी नोट करते थे कि कौन सी वेबसाइट है जो यूज हो रही है आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, या उसको टेलीफॉर्म में डिफरेंट उसके फॉर्मेट्स को फॉर्म्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। ये yawytext.com है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है ये। ओके, यहाँ से कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने इसको अरेज करके इस पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब आपने क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। ओके, ये देखिए ना लिखा है कि डिजिटलाइज वाज क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स, ठीक है। यानी उन्होंने कहा है कि आप यहाँ आपका पेज तो क्रिएट हो गया, और आप चाहें तो आप इसके पर इमेजेस क्रिएट कर लें, या फिर आप यहाँ से इसके और डिटेल्स जो है वो ऐड कर लें। अच्छा, अभी फिनिश अप सेटिंग अप योर पेज। अब ये जो उन्होंने डिटेल मांगी है ना, हम जितना ज्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे उतना ज्यादा हम फेसबुक के लिए ट्रस्टेबल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जितना हमारे पास डाटा है वो जरूर पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेबसाइट उन्होंने मांगी है आपके पास नहीं है, चलें वो आप स्किप कर दें, लेकिन बाकी डाटा तो आपके पास होगा ना, तो बाकी डाटा हमने जरूर एंटर करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इन्होंने US लिखा है, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगी क्योंकि पाकिस्तान का नंबर है हमारा, ठीक है।
यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस हमने देना है। स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ बनाने हैं, जिन अपना फेसबुक पेज भी और उसकी सेटिंग्स भी साथ साथ करें, जिन लोगों का प्रोफाइल है वो लोग। और फिर जब आपका क्लास एंड होगी ना, तो अपने जो पेज का लिंक है ना वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं देखूं कि हमने पेज की सेटिंग्स वगैरह कैसी की हैं। ओके, लोकेशन में आपने अपना एड्रेस पुट करना है। अगर तो आप फिजिकली, आपको कोई शॉप है तो आप उस शॉप का एड्रेस पुट कर दें, ठीक है। और अगर जैसे आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका कोई अगर तो ऑफिस है फिजिकल, तो अपने फिजिकल ऑफिस का जो एड्रेस है ना वो पुट कर दें, ठीक है। ओके, यहाँ से हमने अपना सिटी या टाउन जो है वो सिलेक्ट कर लेना, पोस्ट कोड जो है। अब मैंने सिटी या टाउन सेलेक्ट किया है लाहौर पाकिस्तान, तो उसने खुद ही उसका पोस्ट कोड जो है ना वो शो कर दिया, यहाँ पर मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बार तो से रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को कि पेज कैसे क्रिएट करना है। मेनली यहाँ पे अगर तो आपके पहले कुछ पेजेस बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे आप ये जो सर्कल है राइट साइड पे, जिसपे एक एरो भी आ रहा है, इस सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे कि आपके पेजेस कौन, मेन सबसे ऊपर मेन प्रोफाइल शो होता है और उसके नीचे आपके पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि आप पहले आपका प्रोफाइल ही ओपन हुआ हो। अगर तो प्रोफाइल ओपन हुआ है ना, तो प्रोफाइल की जो पिक्चर आ रही होती है ना, ये प्रोफाइल पिक्चर आपके पेज की नहीं, ये जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है इसकी पिक्चर, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। और अगर तो आपका ये पेज ओपन हुआ हुआ है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पेज मैं ओपन करती हूँ एड्स प्लेयर का, अब ये देखिए एड्स प्लेयर की पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। तो हमने पिक्चर से देखना है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर है या कोई और पेज की पिक्चर है। तो अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, तो आप उसको प्रोफाइल पे स्विच करें, प्रोफाइल पे क्लिक करके, ठीक है। फिर आपको पेज की ऑप्शन आएगी, यहाँ से आपने ये जो 9 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करना है। इसको बर्गर मेन्यू कहते हैं, 9 डॉट्स को, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही नीचे मेन्यू शो होता है। अब यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि आपने क्या क्रिएट करना है, पोस्ट, स्टोरी, रियल या लाइफ इवेंट, क्या चीज क्रिएट करनी है। तो हमने पेज क्रिएट करना है, आप पेज पे ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। ओके, ये माहीन कह रही है कि दोबारा से नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। बाकी बच्चे मुझे बताएं, उनका उनका तो क्लास कनेक्टेड है ना, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और किसी की भी इस तरह से डिस्कनेक्ट हो रही है। देखिए, बाकियों को प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है कि माहीन की तरफ नेट का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। माहीन आप अपना नेट का जो है ना कनेक्शन वो चेक करें, और नेट का जो है ना पैकेज अच्छा करवा लिया करें, ताकि दरमियान में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब यहाँ तक हमने करने के बाद हमने यहाँ पे अपना पेज नेम लिखना है। पेज नेम मैंने आपको बताया था कि आपका ब्रांड का नेम होना चाहिए, जो भी आपने ब्रांड का नेम सेलेक्ट किया था ना, वही वाला आपने नेम यहाँ पे लिखना है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पेज बना रही थी, तो मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी का नेम डिजिटलाइज सेलेक्ट किया था, मैं वही यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सॉरी कैटेगरी लिखनी है अपने पेज की, कि आपका पेज किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे अपने तीन कैटेगरीज लिखनी होती है, एक मेन कैटेगरी और दो की सब कैटेगरीज, ठीक है। मेन कैटेगरी ये होता है कि आपका जो पेज है ना वो मेनली किस चीज के बारे में है, ठीक है। वो आपने वो चीज लिखनी है, तो हमारा पेज एडवर्टाइजमेंट के बारे में है, ठीक है। तो मैं एडवर्टाइजिंग लिखूंगी। अब मैंने जब एडवर्टाइजिंग लिखा, तो इसने नीचे मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, ठीक है। तो है तो मेनली मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही, लेकिन मैंने जब मेन कैटेगरी बतानी है ना, तो मैंने वो काम बताना है जो इस टाइम हमारा पेज करेगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करेगा हमारा पेज, और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट में जाकर मार्केटिंग एजेंसी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर लेती हूँ, ठीक।
ये मैंने तीन कैटेगरीज लिखनी है। इसके बाद हमने अपने पेज के बारे में बायो लिखनी है। बायो का मतलब होता है कि एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मीन्स हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि हमारा पेज जो है वो उस पे हम क्या चीज लोगों को बताएंगे, या हमारा पेज किस चीज के बारे में है। ठीक है, ओके। तो आपने इसके लिए चैट जीपीटी से हेल्प नहीं लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कहा कि आई वांट टू क्रिएट माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पेज ऑन फेसबुक, तो कि मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक पेज बनाना चाहती हूँ फेसबुक के ऊपर, मुझे 2 लाइंस की बायो या डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। उसने मुझे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिख के दी है वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और इसको अपने यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। और एक मैंने आपको रूल बताया था कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने पेज का नेम जरूर लिखना है। ठीक है, तो आपके पेज का जो नेम है वो डिजिटलाइज है, तो ये आपने पेज नेम यहाँ से कॉपी करना है और पेज नेम को कैपिटल फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे पेज नेम लिखती हूँ ना, तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि आप अपने पेज को कैपिटल करें या उसका फॉन्ट चेंज करें। तो अब इसके लिए ना एक वेबसाइट है yaytext.com। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ सर्च बार में लिखा है yaytext.com, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ना आप यहाँ पे ये टेक्स्ट वाले में यहाँ लिखा हुआ योर टेक्स्ट, इसके आगे जो बॉक्स है ना यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है ना वो पेस्ट करें। और ये देखिए नीचे उसके सारे उनसे फॉन्ट्स में उन्होंने आपका टेक्स्ट शो कर दिया है। उनमें से जो सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है ना, आप वो वाला सिलेक्ट करें और उस वाले फॉन्ट को यहाँ से कॉपी कर लें और वहां पे पेस्ट कर दें। ठीक है, फिलहाल हमें जस्ट ना बोल्ड करना है इसको। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो मैंने ये बोल्ड वाला जो फर्स्ट है ना इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देती हूँ। और ये वाला हमें यहाँ से इसको पहले अरेज करूंगी, फिर जो बोल्ड अप किया है वो वाला पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे तीनों चीजें पुट कर दी और ये राइट साइड के ऊपर वो मुझे शो कर रहा है। एक ओके, ये मैंने सब सब डाटा जो है वो एंटर कर दिया और ये राइट साइड पे मुझे शो कर रहा है कि आपका पेज का प्रीव्यू कैसा होगा। ठीक है, मीन्स आपका पेज डेस्कटॉप के ऊपर देखने से कैसा नजर आएगा। ये देखिए ये लिखा है डेस्कटॉप प्रीव्यू, यानी डेस्कटॉप पे कैसा शो होगा। तो ये यहाँ पे कवर पिक्चर आएगी, यहाँ दरमियान में आपकी प्रोफाइल पिक्चर और ये फिर उसके नीचे पेज नेम और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन। और ये देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने पेज का नेम कैपिटल किया, बोल्ड किया था, तो मुझे वो यहाँ पे भी बोल्ड फॉर्म में शो हो रहा है, तो वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पेज के नेम को जो है ना कैपिटलाइज कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूंगी तो वो कैपिटल लेटर्स में, मैं यहाँ पे लिखूंगी ना तो वो बोल्ड नहीं होगा, तो मैं yaytext.com वाली वेबसाइट पे लिखूंगी कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, और यहाँ से इसे कॉपी करके वहां पेस्ट करूंगी। ठीक है, और एंड में आपने डिस्क्रिप्शन के एंड में अपने ना फोन नंबर भी जरूर मेंशन करना है। ठीक है, और ये हम अपने लिखना है कॉन्टेक्ट बस, और जो भी आपका फोन नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। मैं रैंडमली कोई भी नंबर लिख देती हूँ। और इस फोन नंबर को भी बोल्ड कर दें, क्योंकि देखिए आपको जब भी कोई पेज आपका देखेगा उसको सबसे पहले आपका पेज नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन ही शो हो रही होती है, तो उसका पेज का नेम उसका अंदर प्रोमिनेंट होना जरूरी है। और इसके अलावा आपकी कॉन्टेक्ट नंबर होना जरूरी है, ताकि कोई भी आपको उस कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके आपके पेज के बारे में या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ भी पूछ सके। ठीक है, तो आपने इसको कॉपी करके yaytext में जाकर पेस्ट किया और इसको भी बोल्ड कर दिया। सॉरी, ये पेज कॉपी नहीं हुआ।
ओके यहाँ से मैं कॉपी करूंगी और यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब ये कॉन्टेक्टर्स भी थोड़ा बोल्ड फॉर्म में शो हो रहा है, तो अब जो भी मेरा पेज देखेगा उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में पेज का नेम भी शो होगा और इसके अलावा कॉन्टेक्टर्स भी शो होगा। अब पेज का नेम से उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको ने जब सर्च आउट किया उस टाइम तो उसने हमारे डायरेक्टली पेज नेम से हो सकता है सर्च ना किया हो, हमारी को पोस्ट वगैरह उसको शो हुई हो तो उसने वो पोस्ट को ओपन करके थ्रू हमारा पेज तक आया हो। लेकिन जब उसको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से मिल जाएगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये कि हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर पेज का नेम इसलिए एंटर किया होता है कि हमारा पेज जो है जो लोग भी इस नेम के साथ कुछ सर्च कर रहे हैं ना तो उनके सर्च रिजल्ट में हमारा पेज शो हो, ठीक है। तो ये पेज ऑप्टिमाइज करने का मेथड होता है कि हमने अपने पेज का जो नेम है ना वो नेम डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्रिएट पेज पे क्लिक करना, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ये जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था जब आप लोग कह रहे थे कि नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तब मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया था तो मेरा पेज क्रिएट हो चुका है, वो ये है, ठीक है। तो अब आप लोग अपना क्रिएट पे क्लिक करते हैं क्योंकि मैंने एक बार क्रिएट कर लिया, मैं दोबारा क्रिएट पे क्लिक नहीं करूंगी क्योंकि तो मैंने आपको बताया था एक टाइम एक से ज्यादा पेज बनाया तो फेसबुक रिस्ट्रिक्ट करता है, तो मैं एक बना चुकी हूँ इसलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से लीव करती हूँ और जो पहले मैंने बनाया था मैं वहां से कपड़ा कर रही हूँ। अच्छा, ये बनाने के बाद आपने यहाँ पे अपने जो आपसे बाकी की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो आपने जरूर देनी है क्योंकि आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे फेसबुक के लिए आप उतना ज्यादा ऑथेंटिक पर्सन होंगे, ठीक है। तो उतना ज्यादा फेसबुक आपके कंटेंट को प्रमोट करेगा, आपके ब्रांड को भी प्रमोट करेगा। तो अगर तो आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे एंटर कर दें, नहीं है तो वो छोड़ते हैं। इसके बाद फोन नंबर अपना एंटर करें, ईमेल एड्रेस एंटर करें, लोकेशन अगर तो आपकी ब्रांड की या शॉप की कोई फिजिकल लोकेशन है तो आप उसकी फिजिकल लोकेशन का एड्रेस जरूर एंटर करें, ठीक है। और फिजिकल लोकेशन का आपने एड्रेस एंटर करने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सर्विसेज की कोई कंपनी है जैसे कोई भी एजेंसी है आपकी और उसके भी आपकी फिजिकल प्लेस पे उस प्रेजेंस है तो आप उसका भी फिजिकल प्लेस का एड्रेस एंटर कर दें। उसके बाद टाउन या सिटी में जिस जगह भी आप इस टाइम है जहाँ पे आपका मीन्स ब्रांड की शॉप है वो वाली आपने उस टाउन या सिटी को मेंशन करना है और यहाँ पे पासपोर्ट खुद ही उसके अकॉर्डिंग जो है ना फेसबुक के यहाँ पे शो कर देगा। मैंने यहाँ पे जैसे लाहौर पाकिस्तान सेलेक्ट किया था तो पासपोर्ट खुद ही शो कर दिया उसने। अब यहाँ से आपने देखना है कि किन आवर्स में आप अवेलेबल होते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। अगर तो आप हमेशा ही ओपन है मतलब हर टाइम आप जो है ओपन है किसी भी टाइम कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है तो आप ऑलवेज ओपन पे क्लिक कर दें। और अगर जैसे आपकी शॉप है फिजिकल और वो हर टाइम तो ओपन नहीं रहती ना तो वो किस सिलेक्टेड आवर्स पे ओपन होती है तो फिर आप यहाँ से सिलेक्टेड आवर्स पे क्लिक करेंगे और फिर ये आपको एक बॉक्स जो होगा इसके अंदर वो आपको शेड्यूल शो करेगा। ओके, इस शेड्यूल में आपने डेज मेंशन करने हैं कि किन किन डेज में हमारी शॉप ओपन होती है और किन डे हर एक दिन में वो कब तक ओपन रहती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मंडे को ओपन होती है और किस टाइम पे ओपन होती है, रोज वो सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 9 o'clock कर दिया। अब क्लोजिंग टाइम उसका क्या है, सपोज 10 बजे का क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो नेक्स्ट डेज है उसमें भी जिस जिस डेज आपकी शॉप ओपन है आप वो वाले डेज जो है वो सिलेक्ट करें और जो जिन टाइमिंग्स में ओपन है आप वो टाइमिंग्स भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर सेव पे क्लिक कर दें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन शॉप है ना जस्ट आपके पास फिजिकल अपेयरेंस नहीं है उसकी तो फिर आप ऑलवेज ओपन पे क्लिक कर दें कि किसी भी टाइम कोई भी आपकी शॉप पे कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। चाहे वो रात हो या दिन हो, चाहे वो रात में भी ऑर्डर कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल तो आप सुबह के टाइम उस ऑर्डर का रिप्लाई कर जो है ऑर्डर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अब देखिए जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन को की ना तो यहाँ पे नीचे पेज हेल्थ उसने शो करनी शुरू कर दी कि पेयर अच्छी हेल्थ है क्योंकि मैंने काफी इंफॉर्मेशन उसको दे दी हुई है। अगर मैं इसमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी ना तो फिर वो मुझे फेयर हेल्थ शो नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी
और यहाँ पे इसने कहा है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करें। अब हमने कल जो प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर मेनली आपका वो लोगो है जो आपने क्रिएट किया था कल, तो मैंने नहीं क्रिएट करवाया था, खैर कल मैंने जब न्यू स्टूडेंट्स के लिए समझा दिया था कि कैसे हमने क्रिएट करना, लेकिन जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ईद से पहले मैंने लोगो क्रिएट करवाया था, और उनके असाइनमेंट भी आई थिंक ठीक है, लोगो उन्होंने क्रिएट करके मुझे सेंड करना है, तो वो अपने वो वाले जो लोगोज उन्होंने मुझे क्रिएट करके सेंड किए थे ना, वो ही लोगोज यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। डबल क्लिक करें जस्ट, तो वो अपलोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा शो नहीं हो रहा, लेकिन ये यहाँ पे जो प्रीव्यू आ रहा है ना, उस प्रीव्यू में ये पूरा शो हो रहा है आपको। अच्छा, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपके अपना एड्रेस जो है वो अपडेट वगैरह कर लें, लेकिन अभी तो मैंने सेलेक्ट किया है इसलिए मैं अपडेट नहीं करूंगी, नो थैंक्स फॉर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने कवर पिक्चर पे क्लिक करना है, ऐड कवर पिक्चर, और जो आपने अपनी कवर पिक्चर मैंने आपको सामने कल बनाई थी और आप लोगों से भी बनवाई थी, आप लोगों की, आपने आप लोग अपनी वाली कवर पिक्चर ऐड कर दें और मैं अपनी कर देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके ना इसकी पोजीशन सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना कि आपने अपनी पिक्चर अपलोड की है, लेकिन जैसे ये मेरा थोड़ा सा नेम जो है पेज के ऊपर कट डाउन हो रहा है और नीचे से कॉन्टेक्ट भी, तो आप ऐसा क्या करें कि आपने जहाँ पे बनाई है कैनवा पे वहाँ पे प्रोजेक्ट सेव हो जाते हैं, ये देखिएगा। मैं ओपन करती हूँ, मेरे पास इस टाइम ओपन नहीं है, ठीक है। ओके, ये होम पे जो है ना, आपको भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आएगा, ये प्रोजेक्ट इस पे आपने क्लिक किया तो इसमें जितना भी हमने काम किया हुआ है ना वो यहाँ पे सेव रहता है, तो आपको अपना जो हमने कल कवर पिक्चर बनाया था ना वो यहाँ पे सेव मिलेगा। आपने उसके अंदर थोड़ा सा साइजेस छोटे करके ना, तो ऊपर और नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा, मतलब ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दे, नीचे वाली को थोड़ा सा ऊपर कर दे, ताकि वो पूरी आपको शो हो जाए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं ओपन होता तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ साइज को छोटा, इन दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं हम, करके सबको तीनों को इकट्ठा करके ग्रुप कर लें ताकि इनका साइज इकट्ठा छोटा हो जाए। ऑल्ट प्रेस करें और थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, और ये डिजिटलाइज जो है उसको भी थोड़ा सा नीचे करके उसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है इस टेक्स्ट का साइज कितना है, 64.1 और इसका 50.1, तो हमने जो है ना टेक्स्ट के साइजेस सेम रखने हैं। अब देखिए साइज 62.3 और इसका 50.1, तो मैं इसका भी 62 कर देती हूँ और इसको भी 62 कर देती हूँ, आई थिंक 60 कर लेते हैं, दोनों का तो सही है। अब देखिए दोनों का नॉर्मल हो जाएगा, 60 कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो नीचे मैंने लर्न मोर का बटन लगाया हुआ है, इसको भी इस बटन को और टेक्स्ट को इकट्ठा शिफ्ट प्रेस करके मैंने ग्रुप कर देना है, और फिर मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी, और इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये मैं छोटा इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट मिड में आए और कट डाउन ना हो ज्यादा, इन सबको भी और सॉरी शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों को इकट्ठा करें सिलेक्ट, और ऊपर ये ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है, ग्रुप करें और थोड़ा सा ऊपर करके इसके साइज को भी नॉर्मल कर लें थोड़ा सा। अच्छा, तो आई थिंक ये ठीक है, अगर मैं इसको ज्यादा छोटा करूंगी तो फोन नंबर इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, हमें फोन नंबर को प्रोमिनेंट करना होता है, ठीक है।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कांटेक्ट करें। और ये याद रखें कि फोन नंबर को आपने अपनी हर पोस्ट में, हर कवर पिक्चर में, हर पोस्ट में और डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड करना है। मैक्सिमम प्लेसेस पे हमने अपने फोन नंबर को ऐड करना है ताकि लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा आपसे कॉन्टेक्ट करें। और आपको जितना लोग आप कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे, आपके ब्रांड के बारे में आपसे जानेंगे ना, उतना वो लोग कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनके, के वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वो अगर आपके कस्टमर सर्विसेज बाय बाय कर लें आपसे। ठीक है, तो आपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मेंशन करना है। ओके, अब मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ और अब ये वाली मैं अपलोड करती हूँ और फिर देखती हूँ कि अब तो कुछ कट डाउन नहीं हो रहा। लोड हो रहा है तो फिर ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जी, अब हो गया। ओके, अब मैं इधर फेसबुक पे जाके प्लेस करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया ना सारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ से मैं ये पहले वाला डिलीट करूंगी और एक न्यू ऐड करूंगी। पहले तो मुझे यहाँ से देखना है जो मैंने सेव किया वो यहाँ पे है, उसको मैं दोबारा से डाउनलोड पर क्लिक करूंगी फिर शो हो जाएगा। जी, मैं इसको जेपीजी में करती हूँ तो ये इजीली फिर अपलोड भी हो जाता है। ओके, मैंने अभी से डाउनलोड किया है। ओके, डाउनलोड डाउनलोड हो गया। अब मैं डाउनलोड्स में जाऊंगी। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि किस नेम से हुआ है। अभी हो रहा है डाउनलोड, एक्चुअली हुआ नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें। जी, अब ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अभी मेरे पेज नेम भी इसमें आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया, तो पूरा मेरा जो है ना कवर पिक्चर वो सही शो हो रही है। तो हम इस तरह से देखना है कि अगर आपका कुछ ऐसे कट डाउन थोड़ा बहुत हो रहा है ना, तो अपने इमेजेस मतलब जो फॉन्ट्स है उनका साइज छोटा करें और फिर उसको थोड़ा सा मिड में करके फिर दोबारा अपलोड करके देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि ऐड एन एक्शन बटन, मीन्स कि आपके कोई भी आपके पेज पे आएगा ना, तो अब उसको एक बटन शो होगा, वो उस बटन पे क्लिक करके कुछ मतलब आपसे कांटेक्ट वगैरह कर सकता है इस तरह से। तो आपने यहाँ पे ट्राई इट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने कौन सा बटन लगाना है वो आपने देखना है। तो अगर तो मैं देखिए यहाँ पे कॉल नाउ पे क्लिक करती हूँ, या मैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये पहले से सेंड मैसेज हुआ हुआ है ना, तो वो सेंड मैसेज का जो बटन शो होगा वो क्लिक करेगा तो फेसबुक के मैसेंजर में जाएगा और आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस पे करेंगे ना, तो वो आपको कहेगा कि अपना व्हाट्सएप का नंबर अटैच करें। ठीक है, तो आप दोनों काम कर सकते हैं। अगर तो मैं ये फॉर एग्जाम्पल सेंड व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ और नेक्स्ट करती हूँ, आप ये देखिए उसने आपसे फोन नंबर मांगा है कि आपने कौन सा फोन नंबर अटैच देना है लोगों को, जिस जिस नंबर पर लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। तो आप यहाँ पे अपना, फिलहाल मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं
चले वैसे आप मेरा नंबर तो आप सबको पता ही है, तो मैं कर देती हूँ। अब यहाँ पे अपने जो अपना नंबर कनेक्ट करना होता है ना, वो सॉरी व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर कनेक्ट करना होता है, ठीक है। जो सिंपल वाले नंबर है ना, वो वाले नहीं आपने कनेक्ट करना, व्हाट्सएप बिजनेस का ही नंबर कनेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी 333 आना था। आप लोग भी साथ साथ अपना कर लें, अगर तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस है तो, अगर नहीं है तो बाद में इंस्टॉल कर लीजिएगा व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है, और फिर उसका नंबर ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम सेंड कोड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें एक कोड हमारे नंबर पे आएगा, ठीक है। हमने ना वो कोड यहाँ पे एंटर करना है, तो मुझे कोड आ गया, मैं वो कोड एंटर करती हूँ यहाँ पे। 01541 आया, ठीक है, 01541, ठीक है। अब मैं इसमें सेव भी क्लिक करूंगी। ये थोड़ा सा नेट स्लो है, तो ये जैसे ही होता है फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? बहुत इजी सेटिंग्स है, जस्ट वो जो आपसे डाटा मांग रहे हैं आपने वो डाटा पुट करते जाना है, ठीक है, तो हो जाएगा। मीटिंग का टाइम जो है ना वो खत्म होने वाला है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि हमने अपना व्हाट्सएप बटन तो लगा दी, क्रिएट हो गया आपका, तो अब आप एक पोस्ट कर सकते हैं और उस पोस्ट के ऊपर भी आपका जो है ना व्हाट्सएप बटन शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं देखें ये क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, पोस्ट क्रिएट करने से पहले ना आप सब लोग मुझे बताएं कि जहाँ तक मैंने अभी अभी आपको काम करवाया ना, इसमें आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के मैसेज करें, मैं आपको वो क्लियर करूँ। उसके बाद फिर हम ये पोस्ट क्रिएशन पे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसमें मुझे आपको काफ़ी स्टेप्स बताने पड़ने हैं, और मतलब बताना है कि कैसे आपने सब हैशटैग्स की सर्च कैसे करनी है, सब कुछ बता बता के, और इसके जो पार्ट्स हैं पोस्ट के वो भी सारे बताने हैं, तो वो मैं अभी बात शुरू करती हूँ, पहले आप अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे से, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी चैट बॉक्स में बता दें, क्लियर है, और अगर है तो क्वेश्चन कर लें जल्दी से। आज स्टूडेंट्स का बहुत नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर तो मेरी साइड से नेट का प्रॉब्लम हो ना तो मेरी मीटिंग भी डिस्कनेक्ट होनी चाहिए ना। मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम 100 GB का जो है ना नेट का पैकेज है, और वो इतनी जल्दी से खत्म नहीं हो सकता, और सिग्नल भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, मीटिंग मेरी सही चल रही है ना। ये बाकी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, आप लोग अपने नेट के कनेक्शन जो है ना वो पहले से ही अच्छे पैकेजेस करवा के रखा करें, ताकि क्लास में इतनी डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि मैंने सेकेंड टाइम आप लोगों के लिए रिवाइज किया है। हालांकि अगर मैं ना रिवाइज करती, अब तक कि मेरा काफी काम आ गया, हम चले जाते ना, और अब आप देखें कि टाइम कितना हो गया, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा। ओके, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं फिर आगे चलती हूँ। अभी मीटिंग खत्म होने में ना ऑलमोस्ट 7 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पोस्ट क्रिएट करने का, फिर जो बाकी का है ना दोबारा से मीटिंग में का लिंक सेंड करूंगी, उसमें फिर हम दोबारा से पोस्ट को शुरू से उनका डिजाइन करेंगे, ठीक है, कि कैसे डिजाइन करना है वो तो मैं अभी आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। उसके लिए पहले तो मैं ना आपको जो मेन पार्ट्स है ना पोस्ट के, वो पार्ट्स बता देती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन एक प्रिपेयर की हुई है, उसमें मैंने सारे पार्ट्स वगैरह लिखे हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से इस पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है, अब हमने जाना है,
अच्छा, फेस पेज क्रिएट करने के बाद ना कुछ मैंने आपको पेज के बारे में बताना है कि कुछ अच्छे ऐसे पॉइंट्स कि जिनको आपको फॉलो करना चाहिए तो आपका पेज अच्छा ग्रो करेगा। वो मैं आपको ना थोड़ी बाद में बता दूंगी, जब मीटिंग हम नेक्स्ट वाली करेंगे ना, पोस्ट वगैरह डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि अब मेरा हम एक एक मतलब ओपन कर चुके हैं ना, मतलब हमने फेसबुक व्हाट्सएप बिजनेस का बटन लगा दिया हुआ है, तो अब हमें ऑप्शन शो कर रहा है कि आप पोस्ट क्रिएट कर लें, तो हम डायरेक्ट यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब मुझे बताइए, आपको ये शो हो रही है जो मेरी प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट पे, वो आप लोगों को वो स्क्रीन शेयर हो रही है ना? चलिए ठीक है, ओके। अब ये देखें, जो आपकी जो फेसबुक की पोस्ट होती है ना, उसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ना आपने उस पोस्ट में इमेज वगैरह लगाने से पहले उसके ऊपर ना एक कैप्शन ऐड करना होता है। उस कैप्शन में सबसे पहले हमने टू मेन लाइंस ऐड करनी है, ठीक है? और वो लाइंस जो है उसकी पोस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए कि आप उस पोस्ट में लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो, क्या शो करवाना चाह रहे हो, ठीक है? तो वो जो टू लाइंस है उन टू लाइंस को आपने बोल्ड भी करना है, और या फिर बोल्ड करना है या फिर किसी अच्छे से फॉन्ट में लिखना है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आपको बोल्ड करने के लिए या अच्छे फॉन्ट में लिखने के लिए भी एक वेबसाइट बताई थी, yaytext.com। हमने उसे अपने टेक्स्ट को बोल्ड किया था ना, तो उसी के थ्रू हम अपने वो जो टू लाइंस है उनको बोल्ड कर देंगे, या फिर उसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करके बहुत अच्छा सा स्टाइल ऐसा करें, स्टाइल में लिख देंगे उसे, फॉन्ट पे लिखेंगे, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो, जो देखने में अच्छा फील हो रहा हो, ठीक है? उसके बाद आपने जब आपने वो टू लाइंस लिख लेनी है, उसके बाद आपने उसके आगे कुछ इमोजीज जो है ना वो लगाने हैं, जैसे कुछ स्माइलिंग फेसेस वगैरह हम लगा देते हैं ना, कि जिससे हमारा लोगों को हमारा जो है वो इंटेंट पता चल जाता है कि हम लोग लोगों को जो है खुश करना चाह रहे हैं, ठीक है? या फिर उनके लिए कुछ अच्छा दिखा उनको कुछ अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपने पहले वो दो लाइंस एंटर करने के बाद अपना यानी उस लाइन को कोट कहते हैं, कोट एंटर करने के बाद आपने कुछ कुछ अच्छे से इमोजीज लगा देने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने अपने वेबसाइट या स्टोर का लिंक देना है, क्योंकि देखिए जब भी हम पोस्ट लगाते हैं ना, उस पोस्ट के ऊपर हम एड भी रन कर सकते हैं, ठीक है? तो जब हम एड रन करते हैं ना, तो उस एड के ऊपर कोई क्लिक करता है, तो उसने कहीं एड पे क्लिक करने के बाद जो है ना एक डेस्टिनेशन होती है जिसमें हम अपने ऑडियंस को लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो वो क्लिक करेगा तो वो डेस्टिनेशन क्या हो गया, हम उसे कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपका वेबसाइट है तो आप उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जाओगे, तो आप वेबसाइट का एड्रेस दे दो, ठीक है? और अगर आप उसको अपने स्टोर पे लेके जा रहे हो, जैसे आपका दराज का स्टोर है, ये शॉपिफाई का स्टोर है, आप चाहते हो कि लोग ऐड पे क्लिक करें और आपका शॉपिफाई स्टोर उनको सामने आ जाए और वो स्टोर को विजिट करें, उससे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर लें, या तो आप उसको ऊपर अपने स्टोर का लिंक दे दोगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद पोर्ट देने के बाद और वेबसाइट के एड्रेस या स्टोर का लिंक देने के बाद आपने अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना, थर्ड नंबर पे वो मेंशन करना है, उसको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है, ठीक है? फोन नंबर आपने अपना जरूर देना है। ये तो मैंने आपको बताया ना, फोन नंबर हमने मैक्सिमम प्लेसेस पे देना है, ताकि लोगों को हमसे कांटेक्ट करने में आसानी हो, उनको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत बिजी टाइम है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ फाइंड आउट करने में टाइम लगाए। तो अगर तो उसको सामने सामने आपको चीज मिल जाती है तो वो ठीक है, वो कर लेता है, अदरवाइज वो किसी और काम में बिजी हो जाता है, और फिर वो जो चीज आपकी उसने बाय भी करनी थी ना, तो वो भूल जाता है। तो इसलिए आपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर मैक्सिमम प्लेसेस पे लगाना है, अपनी पोस्ट में, अपने डिस्क्रिप्शन में, हर जगह पे, ठीक है? कवर पिक्चर में भी, ताकि लोगों को आसानी हो जाए आपसे कॉन्टेक्ट करने में, ठीक है? ओके। इसके बाद आपने कुछ हैश टैग्स एंटर करने होते हैं। हैश टैग क्या होता है कि जिन ऐसे कीवर्ड्स जिनके साथ लोग सर्च कर रहे हैं ना इस टाइम। अब हर एक का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। अब कुछ लोग जो है वो अगर क्लोथिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो वो क्लोथिंग से रिलेटेड वर्ड्स लिख के सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपका पेज जो है वो क्लोथिंग से रिलेटेड है, तो आप भी क्लोथिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स हैशटैग में डालोगे। तो जब वो कोई शख्स ऐसे कीवर्ड्स से सर्च करेगा जो क्लोथिंग से रिलेटेड है, तो उसको आपकी पोस्ट भी शो हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी पोस्ट में वो वाले कीवर्ड्स जो है हैशटैग्स में इंक्लूड किए थे, ठीक है? और अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और कोई शख्स है वो मार्केटिंग की उसे जो है ना सर्विसेज चाहिए, तो वो ऐसे कीवर्ड से सर्च कर रहा होगा ना कि जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, तो आपने ऐसे कीवर्ड्स अपने हैशटैग में डाले होंगे, तो वो शख्स जो है जब सर्च करेगा तो उसको आपकी पोस्ट भी शो हो जाएगी, क्योंकि आपने भी वही वाले कीवर्ड्स जो है अपने हैशटैग में डाले हुए जिसके वो सर्च कर रहा था, ठीक है?
तो इसलिए हैशटैग जो है वो इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अब मीटिंग ओवर होने वाली है तो मैं लीव करती हूँ, उसके बाद मैं आपको न्यू लिंक सेंड करूंगी, ठीक है?